हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम चेसीटट्स इन हिंदी, और हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन लारवेल, और उसमें हम बना रहे थे लॉगिन सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हमने ये कमांड रन की थी यहाँ पे, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, और जिसके ज़रिए हमने डेटाबेस में ये तीन टेबल्स बनाए थे, यूज़र, पासवर्ड, रिसेट एंड माइग्रेशंस। अब हमें लॉगिन सिस्टम को कम्प्लीट करना है। तो अभी हम प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, नथिंग वी कैन सी लाइक अ लॉगिन सिस्टम। तो अगर आप कोर पीएचपी से आ रहे हैं तो आप ये सोचते होंगे कि सबसे पहले हमें लॉगिन सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा, और लॉगिन तो ठीक है, पर उसके पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूज़र रजिस्टर होता है तो आप यूज़र को अपने डेटाबेस में यहाँ पर सेव कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वेरीफाई कि ये यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या नहीं। तो सबसे पहले आप कोर पीएचपी में क्या करते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते, उसमें इनसाइट क्वेरी चला के उसको यूज़र को रजिस्टर करते, तो वो यूज़र यहाँ पर सेव हो जाता, और फिर लॉगिन फॉर्म बनाते। फिर जैसे वो यूज़र नेम पासवर्ड डालता है तो आप वेरीफाई करते कि यूज़र नेम पासवर्ड सही है या नहीं, एंड देन अगर सही है तो आप उसको सेशन पे सेट कर देते थे, उसका यूज़र आईडी जो है उसको। तो लारवेल में भी यही कंसेप्ट है, पर लारवेल में आपको वो सब कुछ खुद नहीं करना पड़ेगा। अगर कोर पीएचपी होता तो आप वो सब कोड लिख रहे होते। अब लारवेल में आपको इवन यू डोंट नीड टू डिज़ाइन द लॉगिन फॉर्म और रजिस्टर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। लारवेल में लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने के लिए आपको आई थिंक 20 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 20 सेकेंड्स, नो मोर देन दैट। तो उसके लिए हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, मेक श्योर यू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर मोड। तो उसको ओपन कैसे करते हैं आपको पता ही है, लाइक यू राइट डाउन cmd, राइट क्लिक ऑन दैट एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अदरवाइज आई थिंक पीएचपी आर्टिजन कमांड वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे पीएचपी आर्टिजन मेक कोलन ऑथ, पीएचपी आर्टिजन मेक ऑथ, एंड जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यू कैन सी कि इसने बहुत सारी फाइल क्रिएट की है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिएट व्यू लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लाइक जैसे हम रिसोर्सेज में व्यूज़ में जाएंगे तो इसने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, देखिए आप ऑथ फोल्डर में जाएं, लॉगिन, रजिस्टर, सब कुछ इसने क्रिएट कर दिया है। अभी हम यहाँ पर इसको अगर रिफ्रेश करें सो यू कैन सी कि ये हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया, ये लारवेल खुद यहाँ पर डाल रहा है। यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर के दो टैब हैं, अगर आप रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन फॉर्म है। अभी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं यूज़र को रजिस्टर करने का, सो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पूर्विक, ईमेल एड्रेस purvik@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं पूर्विक, पासवर्ड पूर्विक, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। एंड मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर पर, उससे पहले हम डेटाबेस में देखते हैं, अभी हमने डमी भी कोई डेटा नहीं डाला हुआ है, इट्स एम्प्टी। और हम जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो हम रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पर एप्लीकेशन में, और यू कैन सी हम ऑलरेडी लॉग इन हो चुके हैं अपने नेम से, सो वी कैन लॉग आउट फ्रॉम हियर, एंड हम अपना डेटाबेस रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी कि हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, द नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, टोकन ऑन क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट के लिंक, सब कुछ। अभी हम उसको लॉगिन करके देखते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ purvik@gmail.com और पासवर्ड डालता हूँ purvik, एंड जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम ट्राई ये करते हैं कि गलत पासवर्ड डालते हैं, तो मैं लॉग आउट हो गया, क्लिक ऑन लॉग इन purvik@gmail.com और पासवर्ड डालता हूँ 1234 एंड लॉग इन। सो यू कैन सी द क्रेडेंशियल डू नॉट मैच अवर रिकॉर्ड, और मैं बिना पासवर्ड डाले यहाँ पर क्लिक करता हूँ, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन भी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ कोड लिखा इतना, पीएचपी आर्टिजन मेक ऑथ, और इसने ये सब कुछ हमारे लिए बना दिया। आप देख सकते हैं यूज़र इज़ आल्सो क्रिएटेड, यहाँ पर वो टोकन भी जनरेट कर रहा है, यहाँ पर क्रिएटेड एट की टाइम और डेट, अपडेटेड एट की टाइम और डेट, एवरीथिंग।
तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड की भी लिंक है, तो आप ईमेल से पासवर्ड रिसेट भी कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, एक्चुअली ये अभी हमारी लॉगिन सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक आपको ईमेल सेंड करना नहीं सिखाया है, तो इस लॉगिन सिस्टम में हम वो नहीं देखेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, बट वी नीड टू सी लॉगिन सिस्टम। अभी ये हमारा बेसिक लॉगिन सिस्टम तो वर्क कर रहा है, पर इसको हमें मोर डिटेल में बनाना है। पर यहाँ तक आपको एक दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत ये है कि जब आप रन करेंगे PHP आर्टिजन मेक ऑथ, यू मे गेट दिस एरर, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। अब ये एरर आने के दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट वन कि आप जो लार्वेल अभी यूज़ कर रहे हैं वो लार्वेल 5.2 से पहले का है। अगर वो वर्जन राइटिंग 5.2 में भी 5.2.3 के बाद ये कमांड सपोर्ट करता है, आई एम नॉट श्योर, बट बेस्ट ये है कि आप 5.2 का लेटेस्ट वर्जन डालें। तो जहाँ तक मुझे याद है 5.2.3 के बाद तो ये सपोर्ट करता ही है। दूसरा ये रीज़न ये है कि आपकी जो कंपोज़र डॉट जेसन फाइल है यहाँ पे, ये वाली, ये अपडेट नहीं है। सो दो रीज़न, फर्स्ट वन इज़ कि आपका जो लार्वेल है वो अपडेट नहीं है, या तो फिर ये जो कंपोज़र डॉट जेसन है ये अपडेट नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन भी दो है कि आइदर आप कंपोज़र को अपडेट कर दें, और उसका कमांड ये होता है कंपोज़र अपडेट, बट इस शायद ठीक हो भी या ना भी हो। तो मैं तो बेस्ट रीज़न यही कहूँगा कि आप नया लारवेल ही इंस्टॉल कर दें अगर आप पुराना अभी यूज़ कर रहे हैं। तो नया लारवेल इन द सेंस आई एम नॉट टेलिंग यू टू इंस्टॉल 5.8 और समथिंग, वही वर्जन 5.2, बट 5.2 का लेटेस्ट वर्जन 5.2.3 समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपने मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाया है तो आई थिंक आपके पास नया ही होगा, बट इन केस अगर आप पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और उसके ऊपर रन कर रहे हैं, सो यू माइट गेट एन एरर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और आई थिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमांड भी डाल दूंगा कि कैसे ये 5.2.3 इंस्टॉल करते हैं या 5.2 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर xampp htdocs, xampp और htdocs में जाना है, कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं करना है htdocs में, और सिंपली यहाँ पर आप कमांड रन कीजिए, ये वाली कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट, और ये कमांड मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, सो यू कैन कॉपी पेस्ट इट, पर मेक श्योर यू राइटिंग दिस कमांड इन htdocs फोल्डर। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा इन केस अगर आपको ये एरर आती है तो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो 5.2 का पहले का वर्जन यूज़ करते हैं और ये ज़्यादातर कमांड की एरर आती है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसको मोर बेटर बनाने के लिए। तो अभी तक तो बेसिक वे में तो हमारा लॉगिन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम परफेक्ट वर्क कर ही रहा है, बट वी गोना सी इन मोर डेप्थ कि कैसे इसको मोर एडवांस लेवल पे बना सकते हैं। तो बने रहिए सीएसई टच इन हिंदी के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।